श्री रामचंद्र जो वनवास कौशल्या देश जे महाराजा दशरथ पैंजी हयाती जो आखिरी डी में आला अखलाक जरायत शुजायत ए गंभीरता जे हामिल ए लायक पुट श्री रामचंद्र के पैंजो गादी नशीन मुकरर कयो त समूरी रैयत तोड़े अमीर अमरा खुश थिया। पर राजा जी एकड़ी जाल श्री रामचंद्र जी माटरेली माँ डाढ़ी रंज थी ए वडी फरेबकारी सा राजा का श्री रामचंद्र के तख्त नशीन करण वारो फैसलो रद्द कराए पैंजे सगे पुट के गादी जे विहारण जो फैसलो वरताई ए श्री रामचंद्र के शहर छड़े जंगल में वनी रहण जो हुकुम सादर कराई। रज अशराफ ए नियायत फर्माबरदार पुट की हैसियत में पैंजी पर मतड़ी प्रीसन पी जो हुकुम अखिन ते रखी श्री रामचंद्र बनवास अख्तियार करण खातिर पैंजे वफादार ए दिलेर भा लक्ष्मण सा गड तैयारी करण लगो ए पैंजे हसीन व जमील वनी श्री मती सीता के इन कठिन सफर ते सणस गड न हलण ए शहर में पैंजे महल में ही रहण लाए चयो। एकड़ो त संदस मुड़स का बादशाही खसी वही बो त वरी खेस शहर बदरी जो हुकुम दिनो वो इन सदमन खेस सख्त मायूस कयो। इन अंधुनाक सूरत हाल दौरान जडे संदस पति श्री रामचंद्र खेस सणस गड न हलण पैंजे घर में ई रहण पवण लाए चयो त हुआ विछोड़े जे एहसास में इकार जी हनी फना थी पई। वह बेअख्तियार आवजारी कंदे श्री रामचंद्र के लीलाण लगी त ए महान राजा जा लायक फर्जंद मुझे लाए तुझा लफ्ज नियायत नामुनासिब ए कलणाप था लगन। ओमा परेश पी ए माँ पुट ए नूह पैंजी अलग अलग नेमिन ए उसूलन मूजिब हयाती गुजारीन था पर एक ज़ाल जी खुशी तोड़े गम जो दारो मदार मुकमल तौर ते पति से वागियल है छो तो फकत हु यानि जाल ही संद शरीक हयात है इन कर तुझे पी जो हुकुम तोसा गड मूसा पिण लागू थे तो तूसा गड आऊँ पिण बनवास अख्तियार कंदस छो तो इन तोड़े ईंदड़ बेन जान में जाल लो मुड़स सब कुछ होंद है जैसे तू जंगल ना अज तो रवानो थी तो आऊँ तुझे अगैं हलंदी हलंदस ए तुझे राह में हायल कंडा ए करड़ा हटाइंदस त जी तोखे का भी तकलीफ न रसे ए वतन जा सपूत सूरमा कावड़ ए हट छे बिना कें खौफ के मुखे पान सा वी हल मुँह में भी का अड़ी खराबी कान् जै सबब आऊँ तोखा धार थी तोखा सिवाय इत ही रही पवा। राजाइन के महलन में रहंदे या आसमानी सवारी ते जन्नत जो सैर कंदे जेका खुशी हासिल थे थी उन भेट में संद जाल तरफा संद हकीकी सेवा में हासिल थींदड़ खुशी कई दफा वधीक ए आला हुंदी आए। मुझे मोहतरम वालिद मुखे पांजे फराज ए हयाती जे अखराज व मकासिद बाबत सब कुछ सेखारे ए समझाए छड़ियो आए इन रस में वधीक का भी जरूरत कान्हे यकीन न आऊँ तोसा गड़ जी बनवास अख्तियार कंदस जिते मानू न पर जंग जा जानवर ही रहन था ए मुझा पितार तोसा गड जंगल में रहंदे भी आऊँ एतरी खुश गुजारींदस जेतरी खुशी मुखे अबाणे महल में मैसर हुई आऊँ असुल रूहानी असूलन मूजिब सिवाय के लालच ए लोभ जे तोसा गड बन में घुमंदे तुझी सेवा कंदी रहंदस ए मुझी हयाती जा मालिक जे सूरत में तू पांजी एतरी सारी रैयत जी हिफाजत ए सारा संभाल लही सगी तो उनन समूरन मानुन जे भेट में मु अकेली औरत जी हिफाजत छो कोन करे सकंदी मुझे अजम के केर भी मात करे न सकंदो बेशक अज आऊँ तोसा गड़ी जी बनवास थींदस ई पुकारींदी श्रीमती सीता श्री रामचंद्र के भाकुर पाए बेअख्तियार रोण लगी ए जहरीलन तिरन सा जख्मी थियल हाथण वांगुर संदस गजाली अखियन में लुड़क नीर जी वहण लगा ए कवल जे पखड़िन ता तिरकंदड़ पानी वांगुर दिसण में पे आया। शहजादी जो चौदह जे चंड जड़ो चेहरो गणती में मुरझाए जी वयो हो पानी में कढ़ी आंदल कंवल जिया कुमायजण लगी ए बेहोश थी वही तरह श्री रामचंद्र खेस पैंजे बखन में खणी ये चवण लगो हे देवी जैकड़े मुझी जन्नत में दाखिल सबब तोखे दुख रसंदो तो आऊँ इन ये जन्नत में हरगिज दाखिल कोन थींदुस ब्रह्मा वांगुर आऊँ भी मुकम्मल तौर बी डबू आया ए तुझो हर तरह से दिफा करे सगां थो तुझे ख्याल जी पूरी खबर नोण करे
इन सटाणी सफर की तकलीफन का बचाने खातिर तो इत ही रहने लाय चयम पर जडे तुझो इसरार डुम त नेक खसलत पांजे वकार मूजिब हाँ तो छे को वींदुस ए सुहणी सीता वडन जी नियम मूजिब ई तोसा वर्ताव कंदुस तू भी मूसा सूरज देवता जे पत्नी वांगुर गड रह जा।